मैं उचेतना और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो अभी जैसा कि माहौल है, हमारे हमारा बेस्ट फेस्टिवल जो आने वाला है उसका नाम है रक्षाबंधन। हम 10 दिनों पहले से ही करते रहते हैं, तो आइए अभी के माहौल को देखते हुए हम घर में ही बेसिक चीजों से बनाते हैं राखी। यूज करेंगे वो हम बता रही हूँ, आप बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले पेन, पेंसिल, कलर जो आपके घर में हो वो आप धागा कोई भी ले सकते हो, कोई भी नॉर्मल धागा भी ले सकते हो आप, और ये रिबन भी ले सकते हो, कलर और कुछ कलर पेपर हैं, अगर बच्चों वाले कलर पेपर हैं वो यूज़ करते हैं वो, ये साइनिंग करने वाला पेपर है वो भी ले सकते हैं, और गम और ये सीजर तो ज़रूर, बिल्कुल सीजर की भी ज़रूरत पड़ेगी। और कुछ किचन की चीज़ों को मैं शामिल कर रही हूँ, तो उसमें है ये चने की दाल है, देख सकते हैं आप, और ये राई है, राई तो पता ही होगा आपको, ये देखिए ये छोटे छोटा राई है। तो इन सब चीज़ों को मिला के अब मैं हम राखी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आइए चलिए बनाते हैं। पहले से ब्लाउज से या किसी भी सूट से आप ये सब जो है से निकाल सकते हैं। ये देखिए मैं निकाली हुई हूँ, ये दुपट्टे का है, ये देखिए दुपट्टे का है, ये सब मैं निकाली हुई हूँ, और बच्चों के पास कुछ है वो सब भी, तो ये सब इन सब को मिला के बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेन पेपर ले लेंगे, और प्लेन पेपर से जो है तो उसको स्क्वायर में जो है उसको काटना है। ये देखिए इस तरह से मोड़ के, आप इसे राउंड में भी काट सकते हैं और स्क्वायर में भी काट सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा लगे। तो मैं इसे स्क्वायर में ही काट रही हूँ, ये देख सकते हैं। ये देखिए इसको इस तरह से छोटा छोटा काट सकते हैं आप, जितना छोटा आपको यूज हो आप उसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, मैं ये छोटा छोटा काट रही हूँ। ये आपको ज़्यादा लग रहे होंगे तो कोई बात नहीं, आपको इससे कम ही लगेंगे। ये देखिए मैं इसको काट ली हूँ। बस अपने दिमागों को दौड़ाते रहिए कि इसमें क्या लगेगा, तो अपने आप आपको समझ में आता रहेगा कि चलिए ये यूज करके देखते हैं, ये यूज करके देखते हैं, तो अच्छा प्यारा राखी बन जाएगा। देखिए तो हमने ये काट लिया है, ये देखिए आप चाहो तो इस कलर पेपर का भी काट सकते हो और इसका भी यूज कर सकते हो। तो इसमें से मैंने ये राउंड करके एक काट के रखी हुई हूँ, ये देखिए। तो आइए बनाते हैं। ये देखिए सबसे पहले डोरी बनाते हैं। तो बनाने के लिए जो है सो हमें ये मेरे पास ये कलरफुल है डोरी, ये देखिए इसमें रेड और येलो है, तो इसको हम इस तरह से, ये सब चीज़ें तो स्कूल के टाइम में ही बताई जाती है, थोड़ा सा इसमें नॉट लगा लीजिए और फिर इसको 4 टाइम राउंड कर दीजिए। और फिर इसको कैंची से काट दीजिए, फिर इसको कैंची से काट दीजिए। और ये देखिए इसको आप इस तरह से राउंड राउंड भी कर सकते हैं, और फिर यहाँ एक नॉट लगा सकते हैं। ये देखिए नॉट लगा दिए, और फिर इधर भी इस तरह से करके देखिए कैसा लग रहा है, 2 कलर का हो गया। ये हमारा रस्सी तैयार हो चुका है, आप इसमें ये 2 रस्सी आप बना के तैयार करके रख लीजिए। ये दुपट्टे की है, तो इसको जो है तो हम इस तरह से होल में डाल के ये देखिए इसको इस तरह से होल में डाल दिए, और इधर भी होल में डाल दिए हैं,
ये देखिए दोनों तरफ होल में चला गया और ये इस तरह से बन गया है। और इसको आप इसके नीचे ये लगाना है, ये देखिए मैं ये टेबल यूज कर रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। देखिए मैं ये टेबल यूज कर रही हूँ, तो इस टेबल पे रख के मैं इसको इस तरह से यूज कर रही हूँ। और यहाँ मैंने इसको ऐसे रख दिया है और इस पे मैं ये जो मैं ये दाल ली हूँ, दाल उसको उस पर इस तरह से लगा के इसके चारों तरफ ब्लॉग स्टार्ट कर तो देख को लगा देती हूँ, एक इस तरफ एक इस तरफ और ये देखिए एक इस तरफ। और इसमें जो है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह है तो उसमें ये हम राई डाल देते हैं। बनके तैयार है, इसमें मैंने चने की दाल और किचन का वो सामान राई और अपने दुपट्टे से निकाले हुए ये और ये रस्सी राखी, देखिए हमारा ये राखी तैयार है। अब मैं आपको दूसरा राखी बना के दिखाती हूँ। धागा लेके यूज़ कर रही हूँ और आप चाहे तो सिल्क के धागे भी ले सकते हैं रोल में। और ये देखिए इस तरह से आप पकड़ लीजिए, आप यहाँ नहीं कर सकते हैं, यहाँ नहीं, आप इस तरह से, मुझे इतने चौड़े चाहिए। तो ये देखिए आप इस तरह से इसको राउंड 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 ऐसे कर सकते हैं। देखिए इतना से नहीं चलेगा, मुझे थोड़ा और लेना पड़ेगा, ये देख सकते हैं अंदाजे से, तो थोड़ा मैं और ले लेती हूँ। इसको जो है इस तरह से आप निकाल लीजिए इस तरह से, इस धागे को सीजर से काट लेते हैं। और इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ बांध देते हैं। ये देखिए ये कट हो गया और ये सेंटर पे इसे बांधना पड़ेगा एकदम सेंटर पे। इधर भी काट लीजिए और फिर इस तरह से आप इसको रखिए। और हमने जो ये काटा था इसको थोड़ा और छोटा करके फेविकोल से अब यहाँ पे इसको चिपका देंगे। अब ये देखिए अब यहाँ पे इसको ऐसे फैला देंगे, ये इस पे फिर से ये स्क्वायर लगा के फिर मैंने इसको लगा दिया है, ये देख सकते हैं आप। ऐसे फैला दीजिए, ये देखिए को उठा के आप अच्छे से इसका कॉर्नर काट दीजिए, इसके कॉर्नर को थोड़ा थोड़ा काट दीजिए। थोड़ा थोड़ा काटिए, ज़्यादा काटने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ये लगभग तैयार हो गया है।
ये हमारा तैयार हो गया है। अब हमने जो वो रस्सी रखी थी, ये रस्सी जो है डोरी, इस डोरी को जो है सो आप इसके साथ अटैच करना है, ऐसे करके अटैच करना है। तो इसका आप पहले ये सेंटर का देख लीजिए कि ये सेंटर है, तो इस सेंटर को जो है तो आप इसके ऊपर डाल लीजिए और यहाँ पे एक स्क्वायर लेके यहाँ पे मैं एक कलर वाला स्क्वायर लेती हूँ, ये देखिए। ये मैं कलर वाला स्क्वायर ले रही हूँ, ये है थोड़ा सा, तो मैंने इसको लिया है छोटा सा, ये देखिए। अब इस पर फेविकोल लगाइए या गम लगाइए, कुछ भी जो आपके पास है अवेलेबल, और इसको अच्छे से इसके सेंटर में ऐसे दबा के दोनों तरफ लगा दीजिए ताकि ये रस्सी खुले नहीं, और आराम से आप अपने भाइयों के कलाइयों में बांध सकते हैं, ये देख सकते हैं। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप चाहे तो इसमें पीछे से ये डबल क्लॉक भी कर सकते हैं, ये देखिए मैं कर दी हूँ, ये देखिए ये डबल हो गया, ये देखिए। तो हमारा राखी बनके दूसरा भी तैयार हो गया। ये स्टार था, तो ये मैं स्टार ले ली हूँ, और स्टार को इस सेंटर पे आप लगा दीजिए, फेविकॉल लगा के आप इस सेंटर पे लगा लीजिए, और इसके ऊपर आप चाहें तो एक ये भी लगा सकते हैं, या फिर कोई कलरफुल मोती है, ये मेरी बेटी का, ये देखिए, ये मैं पिंक कलर का ले रही हूँ, ये तो इस पर आप फेविकॉल लगा दीजिए, ये देखिए फेविकॉल लगा के आप इसके ऊपर सेंटर पे डाल दीजिए। अब ये देखिए, ये हमारा राखी तैयार है। अब आइए एक बच्चों के लिए स्पेशल राखी बनाते हैं, जो उन्हें बहुत पसंद आएगा, अपने भाइयों को देंगे और बहुत हैप्पी हो जाएंगे। तो एक बच्चों के लिए छोटा सा बनाती हूँ मैं, एक राउंड काट ली हूँ, और ये एक फ्लावर है, इसमें आप डोरेमोन, पोकेमोन, कैसा भी ड्राइंग आपको आता हो तो आप उसको काट सकते हैं। और ये मैं एक प्लेन ली हूँ क्योंकि मेरे पास ये भी है, तो ये इसको मैं इसमें डाल देती हूँ यहाँ पे सेंटर पे, एकदम सेंटर पे इसको देखना पड़ेगा आपको कि सेंटर कहाँ है, और उसी सेंटर पर आप इसको यहाँ चिपका सकते हैं, ये देखिए। तो ये देखिए मैंने ये रिबन लिया है, और इस रिबन को इसके सेंटर में, ये देखिए यहाँ पे मैं ये फ्लावर डाल रही हूँ ऐसे करके, तो आप इसको फेविकॉल लगा लीजिए यहाँ पे, ये रिबन में वैसे भी आ जाएगा, और इसको फ्लावर को यहाँ पे लगा दीजिए, या आपने कोई भी ड्राइंग बनाया है तो आप इसमें चिपका दीजिए, और ये वेरी सिंपल राखी बन गया, बच्चों का फेवरेट, ये देखिए। और अपने हाथों से बच्चे बनाएंगे तो कितने खुश हो जाएंगे। तो ये रहा, आप इसको थोड़ी देर सूखने के दे सकते हैं, अगर फेविकॉल यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सूखने के लिए, देखिए सब तैयार हो चुका है, ये सब तैयार हो चुका है, और तैयार है। और ये कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताइएगा, और ये प्लेट लग रही है थोड़ी खाली खाली सी, तो ये ज़रूर भर जाएगी, और इसके लिए मैं अगले ब्लॉग की तैयारी करती हूँ, तो इसमें मिठाई भी आएगा। और ये देखिए कैसा लगा आपको ये राखी, मैंने अपने भाइयों के लिए बना रखी है, अब हमारे भाई आएंगे तो मैं उन्हें ये राखी दिखाऊंगी और उन्हें बांधूंगी, उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो ये देख सकते हैं आप हमारी राखी को, देखिए तो देखिए, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये हमारा राखी भरा हुआ थाली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए।
तो थैंक यू सो मच।